सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलें। सो फ्रेंड, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आलोक और अभी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारा आलोक होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही वो घर पे आता है तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको बेडरूम में जाके लेटाती है और उसको दूध वगैरह पिला के उसको सुला देती है और खुद बाहर आके बैठ जाती है, अपने हस्बैंड के साथ बातें करने लग जाती है। अब आगे उसी तरफ जैसा कि हम देखते हैं, जो हमारे अभी के पापा होते हैं वो अभी को लेके आ जाते हैं और अपने बेडरूम में लेटे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने बेटे की वजह से। और फिर वो ऐसे ही लेटे होते हैं और अपनी वाइफ की तरफ देख रहे होते हैं और फिर अपनी वाइफ की तरफ देख के वो बोलते हैं, क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इस बेटे ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, अभी इसको जब तक बाहर नहीं भेजूंगा तो इसकी जिद ख़त्म नहीं होगी, देखो ना इसने अपना क्या हाल बना दिया, मुझे पता है इसकी वजह से तुम भी बहुत ज़्यादा सैड हो, बट हमें इसकी जिद तो पूरी करने ही पड़ेगी ना। फिर जो अभी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ को देख के ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और थोड़ी देर तक ऐसे ही अपनी वाइफ को देखते रहते हैं और पता ही नहीं चलता है कब वो सो जाते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है, सब लोग सो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा अभी होता है वो भी अपने बेडरूम में सो रहा होता है और फिर मॉर्निंग हो जाती है। जो हमारी अभी की मम्मी होती है उनको तो जल्दी उठने की आदत होती है, वो फिर मॉर्निंग में उठती हैं और के वॉशरूम में जाके फ्रेश अप हो के फिर चली जाती हैं किचन में। किचन में जाके वो अपने बेटे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारा अभी होता है वो अपने रूम में सो रहा होता है और जैसे ही वो सो के उठता है तो उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो फिर उठता है और बोलता है, उफ़ मुझे क्यों इतना हेडेक हो रहा है, उफ़। ऐसे ही तड़पता हुआ वो अपनी मम्मी को आवाज़ करता है और बोलता है, मम्मी मम्मी। अभी के सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, फिर वो अपनी मम्मी को आवाज़ करता है, मम्मी मम्मी कहाँ पे हो। अभी की मम्मी होती है वो तो किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है, वो जैसे ही ब्रेकफास्ट बना रही होती है उनको उसको अभी की आवाज़ सुनाई देता है तो वो बोलती है, ये तो अभी की आवाज़ है, इसको क्या हुआ। अभी की मम्मी जैसे ही अभी की आवाज़ सुनती है तो वो भागी भागी अभी के रूम में जाती है और अभी को बोलती है कि बेटा क्या हुआ तुम्हें। और दूसरी तरफ जो अभी होता है वो अपना सर पकड़ के बेटा होता है, वो बोलता है, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी बहुत हेडेक हो रहा है, क्या करूँ। जो उसकी मम्मी होती है वो भागी भागी अपने बेटे के पास आती है और एकदम से उसका सर पकड़ लेती है, बोलती है कि क्या हुआ है बेटा तुम्हें इतना हेडेक क्यों हो रहा है। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है, बेटा ऐसा करो तुम लेटो मैं तुम्हारा सर दबा रही हूँ, तुम लेटो। फिर जो अभी होता है वो लेट जाता है अपनी मम्मी की गोदी में और जो मम्मी होती है वो आराम आराम से अपने बेटे का सर दबा रही होती है और फिर बोलती है, बेटा अभी ठीक है ना, आराम हो रहा है ना। फिर जो अभी होता है वो अपनी मम्मी को बोलते हैं, पता नहीं मम्मी इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है, क्या करूँ, तो मम्मी थोड़ा ज़ोर से दबाओ ना, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, हाँ बेटा मैं दबा रही हूँ, चलो ऐसा करो तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफ़ी लेके आती हूँ ना, वो तुम खा लो फिर ठीक हो जाओगे। वो बोलते हैं, ठीक है मम्मी जल्दी लेके ना, मेरे बहुत हेडेक हो रहे। फिर जो अभी की मम्मी होती है वो बोलती है, हाँ बेटा तुम यहीं पर रुको, बस मैं यूँ गई और यूँ आई। फिर जो अभी की मम्मी होती है वो चली जाती है किचन में अपने बेटे के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। दूसरी तरफ जैसा कि हम देखते हैं, जो आलोक होता है वो तो अपने बेडरूम में अभी तक सो रहा होता है क्योंकि उसकी मम्मी ने रात को उसको मेडिसिन दी थी नींद वाली, जिसकी वजह से जो आलोक होता है वो अभी तक सो रहा होता है। और जो आलोक की मम्मी होती है वो सवेरा में उठती है और उठ के ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती है। जैसे ही आलोक की मम्मी रूम में आती है देखती है तो आलोक सो रहा होता है। फिर जो आलोक की मम्मी होती है वो बोलती है, नहीं उठाती, पहले ही इसका एक्सीडेंट हुआ है, अभी उठाऊंगी तो ये एकदम से बोलेगा मुझे कॉलेज जाना है, बस ये सोता रहे, इसको नहीं उठाऊंगी, बाद में मैं खुद इसको ब्रेकफास्ट बना के दे दूंगी। ऐसा बोल के फिर जो आलोक की मम्मी होती है वो चली जाती है किचन में काम करने के लिए। और जो आलोक होता है वो तो सो रहा होता है आराम और सुकून के साथ। और दूसरी जगह जो हमारे अभी की मम्मी होती है वो अभी के लिए
कॉफ़ी बना लेती हूँ, बना के अभी के रूम में लेके जाती हूँ और अपने बेटे को पिला रही होती हूँ और साथ में उसका सर भी दबा रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार से खिला रही होती है। बोलती, बेटा तुम खा लो ना, ठीक हो जाओगे। उसको बहुत प्यार से अपने बेटे को खिला रही होती है। और फिर जो अभी होता है वो बोलता है, मम्मी बस। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो उससे कप लेती हैं और टेबल पर रख लेती हैं। और जो अभी होते हैं वो बोलते हैं, मम्मी मुझे आपकी गोदी में सोना है। उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटा क्यों नहीं क्यों नहीं। फिर जो अभी होता है वो अपनी मम्मी की गोदी में सो जाता है। अभी की जो मम्मी होती है वो ऐसे ही अपने बेटे के सर में हाथ फेर रही होती है और उसके सर पर बहुत प्यार से किस कर रही होती है, उसको बहुत प्यार कर रही होती हैं। और जो अभी के पापा होते हैं वो जैसे ही रूम में फ्रेशन अप होके आते हैं, किचन में आते हैं, देखते हैं तो उनकी वाइफ नहीं होती है। फिर वो अपनी वाइफ को आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं, कहाँ पे हो। फिर जो अभी की मम्मी होती है वो बोलती हैं कि मैं अभी के रूम पे हूँ, क्या हुआ है, आप यहीं पे आ जाओ। फिर अभी के जो पापा होते हैं वो जैसे ही अभी के रूम में जाते हैं, देखते हैं क्या उसकी जो वाइफ होती है उसने अपने बेटे का सर अपनी गोद में लिया होता है और उसका जो बेटा होता है उसकी गोद में सो रहा होता है। ये सब कुछ देख के अभी के जो पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अपनी बीवी को, इसको क्या हुआ है, आज तुम्हारी गोदी में क्यों सो रहा है। फिर जो अभी की मम्मी होती है वो बोलती हैं कि तो आपको तो पता है ना, पता नहीं ये रात को शायद लेट आया था ना, तो जिसकी वजह से इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मुझे बोला कि मम्मी मुझे आपकी गोदी में सोना है, फिर वे मेरी गोदी में सो गया। फिर जो अभी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि इसके लिए मैं टिकट कब की बुक करवाऊँ, अभी तुम मुझे बताओ ना। फिर जो अभी की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं, छोड़ दो ना, नहीं भेजते ना इसको, अपने पास ही रखते हैं, हमारा इकलौता बेटा है ना। फिर जो अभी के पापा होते हैं वो बोलते हैं, तुम्हें पता है ना इसकी जिद, अभी ये फिर से उठेगा, फिर से यही रट स्टार्ट करेगा, अभी तुम मुझे बताओ इसकी फ्लाइट की टिकट कब बुक करवाऊँ। फिर जो अभी की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं, जैसे आपको अच्छा लगे तो आप कर लो, मैं अपने बेटे के साथ कुछ टाइम गुजारना चाहती हूँ। फिर जो अभी के पापा होते हैं वो भी अपने बेटे के पास आकर बैठ जाते हैं और ऐसे ही अपने बेटे को देख रहे होते हैं। अभी के मम्मी पापा ऐसे ही अपने बेटे के पास बैठ रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं और जो अभी होता है वो तो आराम और सुकून के साथ अपनी मम्मी की गोदी में सो रहा होता है। और दूसरी तरफ जैसा कि हम देखते हैं, जो हमारा आलोक होता है उसकी आँख खुलती है पूरे 11 बजे। जब हमारा आलोक उठता है नींद से, जैसे ही वो घड़ी की तरफ देखता है तो 11 हुए होते हैं। फिर जो हमारा आलोक होता है वो बोलते हैं, ओह शिट, इतना टाइम हो गया, मैं अभी तक सो रहा हूँ, मेरा कॉलेज हो। फिर जैसे ही आलोक लेट होते हैं फिर अपनी मम्मी को आवाज़ देते और बोलते हैं, मम्मी 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 बात सुनो, मम्मी बात सुनो। आलोक की जो मम्मी होती है वो टीवी लॉन्च में बैठ के टीवी देख रही होती है। जैसे ही वो अपनी बेटी की आवाज़ सुनती है तो वो बागी बागी अपने बेटे के रूम में आती है और बोलती है, बेटा क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक हो ना। वो अपने बेटे के पास आकर बैठती है और उसको चेक करने लग जाती है। और फिर वो बोलते हैं, अपनी मम्मी का हाथ को हटाते बोलते हैं, मम्मी मैं ठीक हूँ, वो कॉलेज जाना था, देखो ना आप मुझे उठाया क्यों नहीं, मम्मी मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मम्मी अपने क्यों नहीं उठाया, मुझे बताओ ना बताओ ना। फिर जो अभी आलोक की मम्मी होती है वो बोलती है, बेटा जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो डॉक्टर ने बोला आराम करने के लिए, सो इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं उठाया, अभी तुम आराम करो, अभी कुछ ज़्यादा बोलो ना, एक खींच के थप्पड़ लगा देना है, मैंने चुप हो जाओ, एक दिन ना जाने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो ना। जो आलोक होते हैं मम्मी क्यों ऐसा कर रही हो, उसकी मम्मी तो बोलती है, चुप, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना चुप, अभी कुछ नहीं बोलना है तुमने, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आ रही हूँ और यहीं पर बैठो, तुम जल्दी से फ्रेश अप हो क्या, और यहीं पे मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ला रही हूँ। फिर जो अभी की मम्मी होती है, आलोक की मम्मी होती है, वो चली जाती है आलोक के लिए ब्रेकफास्ट लाने के लिए। और जो आलोक होता है वो अपने रूम में बैठ के सर पकड़ा होता है, बोलता है, ओह फिर तो ये मम्मी जो है ना यार, अब क्या करूं, नहीं जा सकता हूं, भी जाऊं फ्रेश अप हो के ब्रेकफास्ट ही कर लूं, आज तो नहीं जाना पड़ेगा। फिर जो आलोक होता है वो जाता है वॉशरूम में फ्रेश अप होने के लिए। फिर फ्रेश अप हो के आके वो अपने रूम में बैठ जाता है थोड़ी देर में। जो आलोक की मम्मी होती है वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आ जाती है। और जो आलोक होता है वो आराम और सुकून से ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो फ्रेंड, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं।